पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना का कहर है और विश्व के लगभग सभी देश इस महामारी से और संकट से जूझ रहे हैं और इस संकट ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की बुनियाद ही हिला कर रख दी है। लेकिन भारत का एक छोटा सा राज्य छत्तीसगढ़ न सिर्फ कोरोना वायरस को मात दे रहा है बल्कि संकट की इस विषम घड़ी में आर्थिक वृद्धि भी दर्ज कर रहा है। ये बातें ना अपनी तरफ से कही जा रही हैं, ना ही छत्तीसगढ़ सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कह रही है या कर रही है। ये बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। आरबीआई ने 17 अप्रैल को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान संकट से निपटने के लिए किए गए तमाम प्रयासों की सराहना की है। कैसे, देखिए ये खास रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। आरबीआई ने की छत्तीसगढ़ की तारीफ। कृषि संबंधित कार्यों के लिए की प्रशंसा। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ ने की आर्थिक वृद्धि। भूपेश सरकार कर रही बेहतर काम। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच न सिर्फ बेहतर काम कर रही है बल्कि राज्य को आर्थिक संकट से भी बचाकर रखी हुई है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की ओर से उठाए कार्यों की सराहना की है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के पहले चरण की अवधि में आर्थिक स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। उन्होंने अपने राज्य में कृषि सेक्टर में बेहतर काम किया है। आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 3 हफ्तों में घरेलू विकास पर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं लेकिन वे अर्थव्यवस्था की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए बहुत निराश करते हैं। इन सब के बावजूद छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, असम और कर्नाटक जैसे राज्य तालाबंदी के बावजूद बुवाई गतिविधि में अग्रणी हैं। खाद्यान्न और बागवानी के उत्पादन में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के सभी कार्य निरंतर तेजी बनी रहने के कारण इन राज्यों में देश के अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले आर्थिक विकास की दर काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। वैसे भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 21 अप्रैल को राज्य के हालातों पर समीक्षा की जाएगी, इसके बाद कई सेक्टरों में छूट दी जा सकती है। वहीं उन्होंने मजदूरों की कम संख्या वाले मनरेगा सहित सड़क पुल जैसे विकास कार्यों को शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं, जबकि इससे मुख्यमंत्री फल सब्जी की खेती करने वाले किसानों और मजदूरों को पूरी सुरक्षा के साथ काम करने की छूट दे चुके हैं। कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन तो कर ही रही है, साथ ही साथ सरकार गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग का भी पूरा ख्याल रख रही है। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।